आज हम बात करेंगे वर्ब टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? बेसिकली टाइम होता है। तो टाइम बताता है कि आज मतलब कोई काम होगा या कोई काम हो चुका या कोई काम आमतौर पे होता है, तो उस तरह से टाइम बताता है वो चीज़। तो जो चीज़ या जो एक जो टर्म है जो टाइम को दिखाएगा, जो टाइम को शो करेगा, उसको हम टेंस कहेंगे। डेफिनेशन टेंस की इस तरह से दी जा सकती है, द टेंस ऑफ अ वर्ब इज डिटरमिन्ड बाय व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। द थ्री मेन टेंसेज आर एज फॉलोज। देखिए क्या बताया उसने कि किसी क्रिया का, वर्ब का यानी एक्टिविटी का जो टेंस है यानी टाइम है, वो कैसे डिसाइड होगा? व्हेन, व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। सो व्हेन इज बेसिकली यूज टू हाईलाइट टाइम। व्हेन किसके लिए यूज होता है? व्हेन क्या दिखाता है कि भाई सपोज आई आस्क समवन व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, तो मतलब कब का क्या मतलब है? आई एम बेसिकली आस्किंग हिम अबाउट द टाइम ही एंटर्ड या टाइम ही केम, है ना, यही पूछ रहा हूँ। तो टाइम दिखा रहा है, व्हेन का मतलब ही बेसिकली क्या होता है? टाइम पूछने के लिए, टाइम दिखाने के लिए, टाइम बताने के लिए, टाइम की तरफ इशारा करने के लिए। तो टाइम मीन्स टेंस, ठीक है। सो द टेंस ऑफ अ वर्ब इज डिटरमिन्ड बाय व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, जब कोई काम होता है कब होता है, ठीक है। तो तीन इस डेफिनेशन के बेस पे, इस बेसिस पे देर आर थ्री मेन टेंसेस विच आर एज फॉलोज, द पास्ट टेंस, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस होता है जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी है और फ्यूचर जो आएगा। पास्ट टेंस में आई वॉक्ड, मैं टहला, ठीक है, मैं टहला या मैं चला। द प्रेजेंट टेंस, मैं चलता हूँ या मैं टहलता हूँ आमतौर पे, ठीक है। द फ्यूचर टेंस, आई विल वॉक, मैं टहलूंगा या मैं चलूंगा, ठीक है। तो ऑल आई मीन टू से इज दैट डिफरेंट टेंसेज आर शोइंग डिफरेंट टाइम्स एज टू व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो इन द पास्ट टेंस द एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, यानी काम हो चुका है। इन द नेक्स्ट टेंस दैट इज द प्रेजेंट टेंस, यू सी द एक्शन यूजली टेक्स प्लेस, यानी मैं टहलता हूँ, मैं आमतौर पर टहलता हूँ, ठीक है, इस तरह से। द फ्यूचर टेंस शोज दैट द एक्शन विल टेक प्लेस, इट हैज नॉट टेकन प्लेस येट बट श्योरली इन द फ्यूचर इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो यानी आई विल वॉक, मैं टहलूंगा, मैं चलूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ब्रॉड कैटेगरी में अगर इनको रखा जाए तो मेन टेंसेस ये हुए। नेक्स्ट, सो टाइप्स ऑफ टेंसेस, टाइप्स की क्या होते हैं टेंसेस के? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपको पता चल चुका, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, उसमें एक सब कैटेगरीज है, सब कैटेगराइज कर दिया उनको, जैसे मैंने बात की थी कि वो ब्रॉड कैटेगरी में रखा गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आगे पास्ट में भी काफी सारे काइंड्स हैं, देन प्रेजेंट में भी हैं, और देन ऐसे ही फ्यूचर में भी हैं। सो पास्ट से अगर शुरू करें, सिंपल सिंपल पास्ट में होगा प्लेड, वर्ब प्लस ईडी, यानी सेकंड फॉर्म जो बेसिकली है सिंपल पास्ट में यूज होगी, ठीक है। प्लेड यानी वर्ब जो है वो प्ले है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ईडी लगा दिया वहां पे, सेकंड फॉर्म हो चुकी, ठीक है, इस तरह से। परफेक्ट में होगा हैड प्लेड। अब जब स्टूडेंट्स हैड जब लग जाएगा, हैड मींस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, जैसे हमने बात की हुई है इस बारे में अर्लियर सेक्शंस में, तो हैड प्लेड, जब हैड जब लग जाएगा तो पास्ट जो सेकंड फॉर्म है वो नहीं आएगी, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये है थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वो थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें, कॉन्टिन्यूस यानी काम, कोई काम चल रहा था, पास्ट में है अगर और प्रेजेंट में चल रहा है, तो यानी कोई काम कंटिन्यूड है, अभी अभी वो ऐसा नहीं है कि रुक चुका है, हो चुका, अभी चल रहा है या अभी चल रहा था, उस टाइम चल रहा था, तो वो पास्ट की बात हो चुकी है। सो वॉज वर अगेन हेल्पिंग वर्ब, अब वॉज वर के साथ तो आई एन जी लगेगा ही, बिकॉज आई एन जी क्या दिखाता है? कंटिन्यूटी दिखाता है एक्टिविटी की, ठीक है, इट हाईलाइट्स द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्टिविटी, यानी अभी चल रही है, निरंतरता दिखाता है, ठीक है ना, यानी चल रही है, अभी वो काम कुछ हो रहा है, अभी क्रिया हो रही है, तो आई एन जी फॉर्म लगेगी, ठीक है ना, वो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। तो वॉज वर प्लस वर्ब प्ले देन आई एन जी, गॉट इट। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कोई काम हो रहा था, पास्ट में ही है, पास्ट में ही हो रहा था, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्टूडेंट्स वो कोई काम लगातार पिछले बहुत दिनों से चल रहा था, डिफरेंस ये है, ठीक है, लगातार कोई काम पिछले, सपोज फॉर पास्ट 10 days ही हैड नॉट बीन ईटिंग हेल्दी फूड, वो पिछले 10 दिनों से हेल्दी खाना नहीं खा रहा था, मतलब ऐसी फास्ट फूड या कुछ और खा रहा था, लेकिन हेल्दी खाना नहीं खा रहा था, लगातार मतलब, ठीक है, इस तरह से। तो हैड बीन देन आई एन जी, प्ले के साथ यानी वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म। प्रेजेंट में प्लेज
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है लेकिन एस लग जाता है, एस या ईएस लग जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे गो है, सपोज गो, तो वहां पे वर्ब जो कि गो है और ईएस लग जाता है, वहां पे ईएस यूज करते, ठीक है। देन हैज हैव, अब देखिए प्रेजेंट में तो हैज हैव यूज होता है, तो हैज सिंगुलर के साथ होता है, ही शी इट दैट, इस तरह से। हैव होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ठीक है। आई बीइंग एक्सेप्शन हियर बिकॉज आई सिंगुलर है, डिस्पाइट बीइंग सिंगुलर, डिस्पाइट बीइंग सिंगुलर हैव लगता है आई के साथ, ठीक है, हैज नहीं लगता, वो एक्सेप्शन हुआ। लेकिन ही शी इट दैट, ही शी बेसिकली सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, तो इस तरह से हैज यूज हो जाएगा। और हैव के साथ आई वी यू दे, इनके साथ हैव हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेम रहेगा। सो हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अगेन थर्ड फॉर्म, कौन सी थर्ड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, सेकंड नहीं है वो, थर्ड फॉर्म है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब साथ लगा हुआ है, ऐसे जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे साथ लगा था, तो ये थर्ड फॉर्म है। स्पेलिंग सेम है सेकंड और थर्ड फॉर्म की, लेकिन थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, वेयर एज इस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है यहाँ पे, इस तरह से। कॉन्टिन्यूस इज, एम, आर और उसके साथ ing form, ठीक है, यानी कोई काम चल रहा है। अब ही शी इट दैट के साथ is हो जाएगा, और नाम के साथ भी is, है, हूँ, I के साथ, ठीक है, only I, उसी के साथ ही am यूज होता है, हूँ, are हैं, एक से ज्यादा, you है, they है, we है, इस तरह से, ठीक है। you हालांकि singular और plural दोनों को highlight करता है, ठीक है। is am are verb then ing, कोई काम हो रहा है, suppose he is playing, he is playing, तो वो खेल रहा है, ठीक है, इस तरह से। आई एम प्लेइंग, आई एम स्लीपिंग, ठीक है। दे आर रनिंग, वो दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं प्लेस कर दूं, जैसे राघव प्लेज वेल, राघव अच्छा खेलता है, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से। ही सिंग्स वेस्टर्न सॉन्ग्स, वो पश्चिमी जो गाने हैं वो गाता है, ठीक है। ही सिंग्स वेस्टर्न सॉन्ग्स, तो इस तरह से कर सकता है, सिंग्स, ठीक है ना, वो ही सिंग के साथ एस। Has have, अगर परफेक्ट में होगा, सपोज आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। रजत हैज प्लेड वेरी वेल टूडे, रजत ने आज बहुत अच्छा खेला है, इस तरह से कर सकते हो। ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है, लेप्ट हो चुका है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, स्लीप की थर्ड फॉर्म हो चुकी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का हमने डिस्कस कर ही लिया है कि भाई दे आर प्लेइंग, दे आर रनिंग फास्ट, इस तरह से, ठीक है ना। नाउ हैज या हैव देन बीन प्लेइंग, अब देखिए कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज हैव बीन, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हैज हैव बीन वर्ब देन आईएनजी। अब देखिए डिफरेंस क्या हुआ, जब दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे हो, वही कोई काम पिछले किसी टाइम से लगातार चल रहा है, ठीक है। सपोज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 4 आवर्स, ठीक है, पिछले 4 घंटों से मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है। अब सपोज मैं कहूँ आई एम स्टडिंग, तो मैं पढ़ रहा हूँ, और आई हैव बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 4 आवर्स, मैं पिछले 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो डिफरेंस है ना, तो वो कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी कौन सी, लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी, थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड है कॉन्टिन्यूटी इस टर्म में, इसमें कॉन्टिन्यूटी इतनी प्रोलॉन्ग्ड नहीं है, मतलब इमीडिएट चीज आप बता रहा है वो। सपोज आई आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग एंड यू आंसर आई एम प्लेइंग एंड देन यू आंसर आई एम स्टडिंग और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो इट विल ऑल बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड नॉट इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। सो इस तरह से हो सकता है वो। सपोज आई हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स, मैं पिछले 4 महीने से आपको टीच कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है। या फिर वी हैव बीन डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स फॉर पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं, गॉट इट। फ्यूचर, कुछ काम होगा, विल और शैल, एक ही बात है, शैल लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो जाएगा, आई या वी, इस तरह से। सो आई विल प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है। We will visit a new school today. आज हम नए स्कूल में विजिट करेंगे, देखने जाएंगे, वैसे ही, इस तरह से। So, verb की first form है। ये कौन सी? Will, shall के साथ verb की जो form लगेगी हमेशा वो verb की first form लगेगी, यानी immediate उसके बाद अगर verb आता तो first form में आएगा, ठीक है। Perfect. Will, shall, then have. अब देखिए, you must have observed that we have used whether had or has, have or of course. So, has, have or had has been used. They have been used while making perfect sentences. Okay? तो वो use हुए हैं perfect sentences बनाते हुए. Okay? Had, has or have, they have been used while making perfect sentences. Whether it was past perfect tense or present perfect tense or future perfect tense. ठीक है ना? Past perfect tense था चाहे, या present perfect tense था, या फिर future perfect tense था. हमने has, have, had जरूर use किया, और उसके साथ third form use किया हमेशा. You must have observed that कि भाई third form है.
है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो परफेक्ट परफेक्शन शो करने के लिए हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम, ठीक है, परफेक्ट शो करने के लिए टेंस के टर्म्स में, ग्रामेटिकली मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आई विल हैव स्लेप्ट व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे मैं सो चुका होऊंगा, आई विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका होऊंगा, ठीक है। वी शैल हैव डन आर होमवर्क, वी शैल हैव डन आर होमवर्क बाय द टाइम द टीचर कम्स, ठीक है, जब तक टीचर आएगा तब तक हम अपना होमवर्क कर चुके होंगे। तो इस तरह से वी शैल हैव डन, डन लगा दिया, यानी वो वर्ब मैंने चेंज कर दी, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से, तो ऐसे कर सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूस विल शैल बी प्लेइंग, ठीक है, बी हो जाएगा यूज, वो फॉर्मूला है, रूल है, तो हमें यूज करना पड़ेगा। देन वर्ब देन आई एन जी, वर्ब है प्ले देन आई एन जी। सपोज आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम को मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, यानी कुछ काम कर रहा होऊंगा। नाउ समथिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट, बट इन द फ्यूचर इट विल बी टेकिंग प्लेस, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू दैट इन द फ्यूचर समथिंग और दी अदर विल टेक प्लेस, ओके, और विल बी टेकिंग प्लेस सपोज, ठीक है, कुछ हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ होगा, कुछ हो रहा होगा, यानी समथिंग विल बी कंटिन्यूड इन द फ्यूचर, कुछ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, कुछ होगा नहीं लेकिन कुछ कंटिन्यू होगा, कुछ होगा तो जरूर लेकिन वो चलता ही रहेगा उस टाइम जब तू वहां हो गया, सपोज जब कुछ होगा, इस तरह से, ठीक है। सो आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा इन द इवनिंग, ठीक है। सो वी शैल बी स्लीपिंग देन, हम तब सो रहे होंगे। तो इस तरह से, यानी फ्यूचर की कोई एक्टिविटी उस टाइम कंटिन्यू जो एक्टिविटी रहेगी उसके बारे में बता रहे हैं, होंगे, होऊंगा, इस तरह से। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल हैव बीन प्लेइंग, यानी ये भी सेम ही है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हम बेसिकली स्टूडेंट्स इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या है, विल शैल, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, सपोज वो फिल करना आ जाए, तो विल शैल देन हैव देन बीन, ठीक है, देन प्ले वर्ब, ठीक है, वर्ब है देन आई एन जी, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से, सो फॉर एग्जाम्पल वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस होते हैं, तो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं, उसको हम और समझने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज से, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, टेंस ग्रामर एक्सरसाइज है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, सपोज व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द बोर्ड, स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड, यानी जब प्रिंसिपल ने एंटर किया क्लास में तो स्टूडेंट क्या कर रहा था, लिख रहा था बोर्ड पे, ठीक है। डियर ऐसा नहीं है कि एंटर्ड है सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी आप सेकंड फॉर्म यूज कर दोगे, नो, एक बार सेकंड होती है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, तो और बाद में क्या यूज करेंगे, पास्ट में इन पर्टिकुलर, कि भाई फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ये था सिंपल पास्ट और यहाँ पे फिर एक बार पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है, ये रूल होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप रोट लिख दोगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे सेकंड कर दोगे, नहीं, यहाँ सिंपल पास्ट है इसीलिए सेकंड है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो आई एन जी फॉर्म लगेगी ना, तो वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, इस तरह से, ठीक है। शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, शी वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। देखिए क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले सिंपल पास्ट हो चुका, कम की सेकंड फॉर्म केम है जब उसका हस्बैंड आया, तो जब उनका हस्बैंड आया तो आया तो फिर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो यानी सिंपल पास्ट तो यूज हो चुका, तो अब कौन सा बचा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, इस तरह से। ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स द राउंड द सन, यानी वो हर टाइम, ही ऑलवेज, अब ऑलवेज है ना, तो ऑलवेज क्या होगा, ट्राइज, यानी वो हर टाइम ये कोशिश करता है कि भाई धरती सन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव, क्योंकि सेंस भी बननी चाहिए, द सेंटेंस मस्ट मेक सेंस अपार्ट फ्रॉम बींग ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होने के अलावा उसको सेंस भी बनानी चाहिए, मतलब सेंटेंस को एक, इस तरह से। तो आई होप यू आर क्लियर विद इट, ठीक है। नेक्स्ट, ही सो मी बाय चांस एंड डैश द कार, देखिए उसने मुझे बाय चांस देखा और एक्शन दिखा रहा ना, तो एक्शन क्या दिखाएगा, यहाँ पे वो स्टॉपिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टॉप्ड, एंड स्टॉप्ड द कार, और उसने कार रोकी, उसने मुझे देखा और कार रोकी। कारण ये भी है कि ही है, ही सो मी, फर्स्ट क्लोज में आप देखो तो ही सो मी बाय चांस, उसने मुझे बाय चांस देखा और कार रोकी, एंड स्टॉप द कार, ठीक है, और कार रोकी, स्टॉप डैश में ऑप्शन दिया तो स्टॉप वहां पे आएगा। तो ही एक ही बार सब्जेक्ट यूज हुआ पूरे सेंटेंस में, आप देखिए, अगर सपोज बाय एंड के बाद अगर एक बार फिर
सब्जेक्ट हो जाता तो बात और होती, तो हम दूसरे ऑप्शन पे भी सोचते, कंटेम्पलेट करते, लेकिन अभी स्टॉप्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ में चलिए, हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे, ठीक है, डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, सी पे डार्कन हो रहा है, देखिए कि तुमने कल कितने पैक पिए, यस्टरडे द डे विच हैज गॉन, विच हैज पास्ट, तो यस्टरडे, अब यस्टरडे पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात है तो डिड, डिड क्योंकि पास्ट के लिए ही यूज होता है, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन शी डैश इन, अब देखिए वॉज वॉचिंग कॉन्टिन्यूस हो चुका, ठीक है, दोबारा सब्जेक्ट है शी, आई के अलावा, तो शी केम, शी केम इन, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो चुका, तब सिंपल पास्ट, जब वो कमरे में या मतलब जब वो अंदर आई तो मैं टीवी देख रहा था, इस तरह से। नेक्स्ट, शी कट हर फिंगर वाइल शी डैश वेजिटेबल्स, देखिए उसने अपनी उंगली काट ली, यानी गलती से कट चुकी, वाइल आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाइल का मतलब यही है कोई एक्टिविटी की कॉन्टिन्यूस दिखाता है, कॉन्टिन्यूएशन दिखाता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब है कि कोई जारी हो रही थी एक्टिविटी, चल रही थी, तो अब कॉन्टिन्यू थी तो फिर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में कॉन्टिन्यूस कौन सा है, वॉज कटिंग, ठीक है, वॉज देन वर्ब देन आई एन जी, वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, जब वो सब्जियां काट रही थी, इस तरह से। शी स्टिल रिमेम्बर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट डैश टू चर्च, देखिए आज भी उसको वो दिन याद है जब वो पहली बार वेंट गई, गो होता जाना और सेकंड फॉर्म वेंट, व्हेन शी फर्स्ट वेंट टू चर्च, देखिए यहीं पे सेंस बनती है स्टूडेंट्स, आप इनको यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे, व्हेन शी फर्स्ट गोन नहीं होगा, गोन थर्ड फॉर्म है तो गोन से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो गोन नहीं होगा, व्हेन शी गोइंग नो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, व्हेन शी वॉज गोइंग नहीं, तो फिर तो कॉन्टिन्यूस हो चुका ना, नहीं लेकिन पास्ट की बात है नहीं, पहले सबसे पहले कोई काम किया उसने, तो वो जब When she first went to church, वो पहली बार चर्च गई, ठीक है, इस तरह से। The train had left before I reached the station, ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी उससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टेंसेज, विद द यूज ऑफ टेंसेज, ओके, एज टू हाउ वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन द सेंटेंसेज, व्हेन सिंपल पास्ट टेंस हैज ऑलरेडी अकर्ड इन द सेंटेंस, ओके, इन द नेक्स्ट इंस्टेंस यू हैव लर्नड अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ द सेंटेंस ऑफ द टेंसेज एक्चुअली, ओके, एंड देन यू हैव लर्नड व्हाट काइंड्स ऑफ टेंसेज आर देयर, व्हाट ऑल टेंसेज आर देयर, नेमली पास्ट, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर, इन द पास्ट वी सी दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस, ओके, देन इन द प्रेजेंट समथिंग टेक्स प्लेस, इन द फ्यूचर समथिंग विल टेक प्लेस, सो इन द सेम मैनर वी हैव लर्नड अंडर वेरियस हेडिंग्स एज टू हाउ वी यूज दोज थिंग्स यूजिंग दोज फॉर्मूलाज एंड मेकिंग सेंटेंसेज यूजिंग द सेम, सो बाय नाउ आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द थिंग्स, एंड सो थैंक यू वेरी मच अगेन।